guys, Mariam de Mello here. Welcome back to the next big thing. I'm here with Rohit Agrawal. Hi guys, I'm here with Mariam for the next big thing. Hi. Yes. Okay. So before we start, I just want you to introduce yourself to them so that they also understand the entire episode that we'll be talking about. So my name is Rohit and I'm from Bombay, but originally from Bikaner, Rajasthan. And today I'm over here to share my experience about my acting journey, everything, the bad experiences, good experiences, what I've learned, what you guys should learn, what you guys should do to start your journey. Or maybe if you have already stepped in, then how can you take it ahead? So yeah, let's see how it goes. Yes. So like I mentioned, I want to know that how did you come to the point where you decided that I want to do acting? तो मुझे ना एक्टिंग बचपन से करनी थी. ठीक है, स्कूल में भी मैं ड्रामा स्किट्स वगैरह में पार्ट लेता था, फिर नुक्कड़ नाटक वगैरह करता था. फिर उसके बाद मैं हॉस्टल में भेज दिया गया था, 4 साल के लिए आई वॉज इन हॉस्टल. तो वहाँ पे भी आई यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द ड्रामा कंपनी एंड एवरी थिंग. आई यूज टू परफॉर्म एनुअल डे फंक्शन वगैरह सब कुछ. एंड देन उसके बाद पढ़ाई हो गई, पढ़ाई में अच्छे स्कॉलर अपने 90% आए 10th में, फिर 12th में और अच्छे 92 आए. फेलिसिटेट वगैरह किया तो घर वाले बोले अब पढ़ाई तो इतनी अच्छी चल रही है तो आगे क्या करना है, CA MBA वगैरह सब कुछ. ऑफ कोर्स फिर पीयर प्रेशर कि यार सब CA कर रहे हैं, एक काम कर रोहित तू भी CA ही कर ले, तेरे को 92 आया है, तेरा CPTU क्लियर हो जाएगा. मैं बोला हाँ यार बात तो सही है इसकी. तो मैंने भी CPT का अटेम्प्ट दे दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फेल हो गया. मैं बोला यार इतने अच्छे थे पढ़ाई में, CPT क्लियर नहीं हुआ. तो एक और अटेम्प्ट दिया, वो भी क्लियर नहीं हुआ, उससे भी कम मार्क्स आए फर्स्ट से भी. मैं बोला भाई ऐसे नहीं चलेगा. फिर थोड़े दिन चिल किया घर पे, हाउस पार्टीज वगैरह, बाहर जाना घूमना, जो बॉम्बे की लाइफ है बेसिकली, बाहर घूमना, क्लबिंग, ये वो सब कुछ, चिल करना एकदम एकदम स्पॉइल्ड ब्रैट की तरह. फिर उसके बाद अब पापा बोले कि क्या करना है, मैं कहा MBA करते हैं, अब CA तो हुआ नहीं है, बोल तो ऐसे रहो जैसे CA भी कर लिया मैंने, तो अब MBA करते हैं. फिर MBA की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, वहाँ पे 2 क्लासेस किए, बंक मारने लग गया. अब मैं बोला MBA नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. देन वन डे माई मामा जी केम एट माई प्लेस एंड ही इज़ लाइक कि क्या करना है लाइफ में, अब बड़ा हो गया है, सब लोग कर रहे हैं कुछ ना कुछ काम कर रहे, तू तो बस घर पे ही है. मैं कहा मामा जी मेरे को ना इन सब में मन नहीं है, मेरे को एक्टिंग ही करनी है. बोले ठीक है, कैसे करनी है? मैं कहा वो तो नहीं पता, स्कूल्स होते हैं आपको सिखाएंगे. तो बोले पता कर. एंड देन दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. मैंने एक्टर प्रिपेयर से मेरी जर्नी स्टार्ट की, वहाँ पे आई टुक दी होल डिप्लोमा थिंग. एंड उसके पहले मैंने नुक्कड़ नाटक वगैरह अपना स्ट्रीट प्ले वगैरह सब कुछ किया हुआ था स्कूल में, परफॉर्मेंस वगैरह. तो वहाँ पे एंड वहाँ पे जो इंटरेस्ट आने लगा ना बॉस, मैंने एक लेक्चर मिस नहीं किया है, एक लेक्चर, वरना सब जगह मैं बंक मार रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, वहाँ पे एक लेक्चर माई अटेंडेंस वॉज 100% ओवर दैट. एंड आई वॉज लाइक हाँ, मतलब जहाँ इंटरेस्ट होता है बेसिकली आप वही चीज करना चाहते हो. फिर वहां से मैंने जर्नी स्टार्ट की, सब कुछ किया. एंड एट द सेम टाइम मैंने ना 7th स्टैंडर्ड में स्लैम बुक भरते, अपन पता सबने भरी होगी स्लैम बुक. तो वहां पे मैंने स्लैम बुक में मेरे फ्रेंड किया, इट्स लाइक की वॉट यू वॉन्ट टू बी, है ना. तो मैंने वहां पर लिखा था आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर. एंड वेन आई गॉट माई फर्स्ट गिग, दैट फ्रेंड ऑफ माइंड ही हैड सेंड मी दैट पिक्चर कि सी ब्रो यू हैव रिटन यू वांटेड टू बी एन एक्टर एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर फॉलोइंग योर पैशन. ओह दैट्स सो स्वीट. तो मतलब वो चीज है जहां इंटरेस्ट होता है वही चीज होएगी, उसके अलावा और कोई चीज में मन नहीं लगेगा. बट दैट्स नाइस, सो योर फैमिली वाज ओके विद यू गेटिंग इनटू एक्टिंग? या माय डैड हैज, मॉम हैज बीन वेरी सपोर्टिव फॉर मी टू बी इन दिस इंडस्ट्री, दिस फील्ड, बिकॉज़ इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फील्ड टू बी इन. You have to see a lot of hardships, failures, everything on a daily basis. So I'm very happy that my dad supports me, my mom supports me, my brother supports me, everyone supports me. My friends were supportive. Like since beginning, मेरे society के आंटिया अंकल सब एकदम सपोर्ट रहे, हाँ हमारे बिल्डिंग में हीरो बनेगा, हमारे बिल्डिंग से एक और हीरो निकलेगा. And so that's how they have been very, very supportive. And I'm very thankful for that. That's nice. So now, like you mentioned that you do stay in Bombay itself, right? Yeah. So, like I have friends who are into acting, but you know, they're from outside. So how is it like, how has it helped you that being with your family in Bombay, like the hub where you can grow as an actor? तो मतलब थोड़ा तो लाइक वो टेंशन निकल जाता है ना कि मतलब मैं बॉम्बे से हूँ, मुझे पता है इधर उधर सब जगह क्या है. मैंने चीजें देखी है, मेरे दोस्त जो बाहर से आए हुए हैं यहाँ पे रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं,
मैंने उनकी लाइफ बहुत नज़दीक से देखी हुई है, लाइक बहुत नज़दीक से देखी हुई है. हाउ दे डू थिंग्स, इट्स लाइक खाना खुद बनाना, कपड़े खुद धोना, स्टिचिंग खुद करवाना, ऑडिशन पे भी जाना, फिर आके रीटेस्ट पे वापस जाना, खुद का मेकअप, खुद की सारी चीज़ें, कुक वगैरह, अगर आपके यहाँ घर पे कुछ ख़राब हो गया, वो सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना. आई हैव सीन इट फ्रॉम अ वेरी वेरी क्लोज पर्सपेक्टिव एंड आई नो इट इज़ वेरी वेरी हार्ड. एंड जो वो लोग कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, हैट्स ऑफ बॉस, वेरी टफ. सो आई फील कि कहीं ना कहीं एडवांटेज है मेरे लिए एंड आई वॉन्ट टू मेक इट्स यूज, मतलब उसको बेस्ट यूज में मैं पुटअप करना चाहता हूँ. बिकॉज अगर एडवांटेज है, मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो कहीं ना कहीं किसी को किस चीज़ का एडवांटेज होता है, किसी को किस चीज़ का होता है. एवरी वन हैज देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. सो आई जस्ट वॉन्ट, मेरे भी वीकनेस है, मैं जानता हूँ कि मेरे वीकनेस क्या है, बट मैं उनको और स्ट्रेंथ में डेवलप करना चाहता हूँ. बट जो स्ट्रेंथ है उसको लेके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, विच एवरी वन डज इट. तो ये चीज़ है. हार्डशिप्स भी है घर पे रहने के, थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, एक सोसाइटी में रहना तो उसके भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं. आपको बैकलैशेस सुनने पड़ते हैं कि ऐसा है, ये इनके साथ घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आवारा गर्दी, ये वो, बहुत सारी चीज़ें. तो एडवांटेज है और बेनिफिट डिसएडवांटेज भी है. तो इट्स लाइक कि इट डिपेंड्स. तो मैं तो ये कहूँगा जो बाहर से है, जस्ट फील कि हाँ यू आर इन द राइट स्पेस, वेयर यू आर, यू हैव टू बी ओवर देयर ओनली, यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन एंड जो आप कर रहे हो आपका बेस्ट है. थोड़ा और आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो बेसिकली. एंड यही है कि मतलब ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता इस पॉइंट पे, क्योंकि आई एम इन अ ball is in my court. I cannot say much on it. True, but then it's nice that you at least know that you know ye benefit hai aur isse main utilize karke aage ja sakta hu. So that's true. And really, like, hands off to the people who are actually, like, you know, surviving here, making a career out of themselves and, you know, figuring out everything while they are alone in a new country, world, in a new city. Very tough. It's very very tough ki matlab खाना पीना, राशन, ए टू जेड सारी चीज़ें मैनेज करना, प्लस साथ में घर पे भी भेजना पैसे. उसके बाद सर्वाइवल के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, स्पेशली जब लॉकडाउन का पीरियड था. मुझे पता है, आई हैव हेल्प पीपल, थोड़े बहुत जो मेरे जान पहचान के थे, आई हैव हेल्प देम विथ फिनांसिस एंड एवरीथिंग. कि बिकॉज अगर हम हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा यार. तो दैट्स वाई आई नो कि यू हैव टू बी सपोर्टिव. यू ग्रो, आई ग्रो, वी ग्रो टुगेदर. दैट्स माई मोटो. दैट्स नाइस, दैट्स स्वीट. That's my motto. तो मतलब ये सीख गया हूँ मैं, you grow, I grow, we grow together. मतलब साथ में लेके चलना है बॉस. ये है फंडा. हाँ, and I think actors के लिए ये फंडा सबके साथ नहीं वर्क करता है, but the people who actually have it, that you want to grow and let others grow with you, that's actually pretty. कोई भी ऑडिशन आता है मेरे पास या कुछ भी अपडेट आती है, तो I have this set of friends who I share it with. Because अगर मेरा नहीं है तो यार उसका तो हो. किसी का तो हो जाए. किसी का तो होना ही है, लेकिन अगर मेरे जान पहचान वाले का होगा तो आई फील हैप्पी ना. ही विल फील हैप्पी अबाउट इट और शी विल फील हैप्पी अबाउट इट. तो आई फील दिस एंड आई फॉलो इट. दैट्स नाइस, दैट्स अ वेरी नाइस सिंपल मोटो. एंड लाइक यू डिड योर कोर्स फ्रॉम एक्टर्स प्रिपेयर, हाउ लॉन्ग इज योर डिप्लोमा? सो माइन वाज द फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन एक्टिंग. इट वाज फॉर 3 मंथ्स एंड एवरी डे वी हैड टू गो मंडे टू सैटरडे from 8:30 onwards till 6 o'clock in the evening. Okay. Too good. Wow. Amazing. I learned a lot of things from there and I'm really happy that I joined that place because mujhe acting ka A bhi nahi aata tha jo unhone sikhaya mujhe. That has helped me, that has pushed me to start my journey. Kyunki maine skits, play wagera to kiye hain, lekin ek break aa jata hai na. Yeah. 6 saal ka ya 3 saal ka gap aa gaya aur us waqt hame pata nahi cheeze kaise turn out change ho gayi hai. तो उन्होंने मुझे चीज़ें सिखाई, टेक्निक्स बताई जो मुझे हेल्प की टू एन एक्टर टू अंडरस्टैंड. एंड फिर आपकी खुद की जर्नी होती थी कि आपको उन्होंने टूल्स दे दिए, वो टूल्स, अब आप वो टूल्स को लेके आगे कैसे बढ़ोगे. एंड देन यू लर्न ऑन सेट एक्सपीरियंसेस, दूसरों के एक्टर से आप सीखते हो, उनके एक्सपीरियंसेस से, उनके डायलॉग डिलीवरी से, मूवीज देख के, बुक्स पढ़ के आप सीखते हो. फिर तो वो नॉलेज की मतलब जितना सीखो उतना कम, उतना कम. हाँ, या तो जैसे आई एम फ्रॉम विस्लिंग वुड्स एंड वी हैड, आई डिड अ बैचलर्स डिग्री, सो माय कोर्स वाज फॉर 3 इयर्स, बट वी हैड लाइक मेनी डिफरेंट असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स दैट वी हैड टू डू. सो आई स्पेशलाइज्ड इनटू प्रोड्यूसिंग.
तो मतलब मेरा पूरा था कि आई हैव टू गेट एवरीथिंग लाइक अ टीम रेडी, प्रोडक्शन मतलब पूरा लाइन प्रोड्यूसिंग एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड पोस्ट प्रोडक्शन तक. तो दैट इज वेयर आई गॉट माय एक्सपीरियंस कि ओ ये भी करना है वो भी करना है, दिस इज फन, और दिस इज वेयर आई एक्चुअली स्टार्टेड लविंग प्रोड्यूसिंग. सो डिड यू हैव दीस काइंड ऑफ असाइनमेंट्स ओवर देयर वेयर यू हैड टू प्रिपेयर? यस या ऑफ कोर्स वी हैड. सो वी हैड टू फर्स्ट तो हम लोग को काफी सारी चीजें सिखाई है, सिर्फ एक्टिंग से रिलेटेड नहीं, टेक्निकल चीजें भी बताए कि ओवर द एंगल हेडशॉट क्या होता है, क्लोज क्या होता है, मास्टर क्या होता है, सारे ओवर द टॉप पीओवी क्या होता है, पीओवी शॉट क्या है, सारी चीजें सिखाई है. अब इसमें जो आप चीज कह रहे हो ये कि प्रोडक्शन थिंग, सो इट्स लाइक वी वर टॉट टू source out things and to use. Nice. Basically, you have to also do that. Yes, yes. कि मतलब अगर मुझे अगर ये चीज निकलवानी है, काम निकलवाना है, तो मैं कहाँ से source कर सकती हूँ so that मेरा पैसा बचे. Production is there only to save the maximum and get in our pockets. Yes. Basically. तो हमें भी ये सारी चीजें सिखाई है कि मतलब for example अभी हम लोग को skit perform करना है. तो उसमें मेरी एक टीम है, या फॉर एग्जाम्पल हमें एक टीम है, तो अब हमको कॉस्ट्यूम लाना है, प्रॉप्स लाना है, सारी की सारी चीजें हमें खुद ही हैंडल करनी है कि यार इसको मैं यहाँ से ले आऊंगा, इसको मैं रेंट कर लूंगा, एक दिन का काम है, या मैं मेरे फ्रेंड से बोरो कर लूंगा. तो सारी चीजें बैक एंड वर्क भी सिखाया है, पोस्ट का काम भी सिखाया है कि मतलब कि हाँ आपने अगर बोरो किया है तो आपको रिटर्न भी तो करना है, ऐसा नहीं कि वो सामान आपका हो गया. यस ऑफ कोर्स. तो वो सारी चीजें हमें सिखाई गई है. तो आई फील कि जो ट्रेनिंग वहां दी है वो ओवरऑल डेवलपमेंट की है हम लोग ने, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन की वो चीजें वो कैसे लेते हैं. किसी ने वो सारी चीजें इग्नोर की होगी, किसी ने वो ग्रास्प कर ली. तो इट्स लाइक दे टीच यू एवरीथिंग, बट यू हैव टू बी देयर एंड यू अंडरस्टैंड दैट. दैट्स ट्रू. एंड सो लाइक हाउ दे टॉट यू द बैकहैंड ऑफ एवरीथिंग बिफोर गोइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डज डू यू फील दैट डिड इट अफेक्ट यू व्हाइल यू यू नो आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, बट यू नो कि पीछे क्या चल रहा है, व्हाट आर द हार्डशिप्स दैट द पीपल नीड टू फेस. So like how are you taking it in as an actor, and how necessary is it for an actor to know or at least experience it once ki you know kya kya hota hai, and kyunki even I have faced actors who know ki kitna kaam jata hai behind the scene maybe, and I have actors who do not have any idea and they're just like yaar kyun nahi ho raha, you know. See, so how main samajh gaya aapka question. To is pe na I have learned from the senior actors a lot. Until late, I'm doing that only. क्योंकि वो लोग उस मुकाम पे पहुंचे एक रीजन की वजह से. ठीक है, तो अभी जो मैं सीरियल कर रहा हूँ वहाँ पे भी जो मेरे सीनियर एक्टर्स है, इट्स लाइक कि अगर शॉट चल रहा है या कुछ चल रहा है तो फर्स्टली हंसी मजाक नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा एक्टर डीफोकस हो जाता है, उसका ध्यान चला जाता है. साथ में इतने सारे लोगों के एफर्ट्स है वो खराब हो जाते हैं. लाइट मैन, कैमरा मैन, डायरेक्टर, असिस्टेंट, कॉस्ट्यूम, सबकी मेहनत लगी है. आप वहाँ पे जाके शॉट दे रहे हो, लेकिन आपके पीछे हजारों लोगों का सपोर्ट है तब जाके आप वो शॉट दे रहे हो. और फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, वो तो और, तो मतलब एक चीज़ एक सेट को बनाने के लिए जितनी मेहनत लगती है ना, वो आप सोच नहीं सकते. तो यू शुड रिस्पेक्ट दैट. तो अगर आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट करोगे तो काम आपको रिस्पेक्ट करेगा. तो सीनियर एक्टर से मैं यही चीज़ सीखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो सेट पर बैठे भी है, उनका शॉट नहीं है, तो भी वो अपने मेकअप रूम या ग्रीन रूम में जाके बैठेंगे नहीं, वो वहीं पे बैठे रहेंगे कि कब उनकी जरूरत पड़ जाए या कब को एक्टर को क्यू देने की जरूरत पड़ जाए. क्योंकि एक एक्टर जब क्यू देता है उसका फर्क अलग पड़ता है, और एक असिस्टेंट डायरेक्टर जब क्यू देता है उसका फर्क अलग होता है. सो व्हेन द एक्टर गिव्स यू द क्यू, यू लिसन इट प्रॉपरली एंड यू रिएक्ट दैट वे. एंड व्हेन द असिस्टेंट गिव्स यू अ क्यू, इट्स लाइक कि हाँ वो चलो दे दिया, उस पर रिएक्शन लेना. But when a co-actor does it, it's in a different way because he wants to improve the performance of the co-actor. Tabhi jaake wo cheez bahar aur achhi ban ke aayegi. That's why it is said ki ek teamwork hai, ye individual ka kaam nahi hai. Haan. To ye cheez hai ki aap akele kaam nahi kar rahe, aapke saath 100,000 log jude hue hain, aur aapka shot dene ke baad bhi aur 1,000 log ko us pe kaam karna hai. Color ho gaya, sab kuch ho gaya, edit ho gaya, sound ho gaya, kitni sari cheez hai. Yes. To aapko us को रिस्पेक्ट करना चाहिए कि आपका काम यहाँ खत्म हो गया, चलो अपने घर चलो. नहीं, आपको और भी चीज है कि रिस्पेक्ट करो तो काम आपको रिस्पेक्ट करेगा. या दैट्स ट्रू. तो मतलब इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू नो व्हाट गोस थ्रू
the backhand also to be in front of the camera. आपको पता रहना चाहिए, अगर नहीं पता तो आप पता करो. आपको टेक्निकल चीजें भी समझ में आनी चाहिए. That's what I do on set. अगर मुझे कुछ चीज पता नहीं है तो मैं मेरे DOP से जाके मैं पूछता हूँ, सर क्या है, कौन सा शॉट है, क्या लाइटिंग कहाँ से है, क्या अगर मुझे कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट समझ में नहीं आया तो क्यों नहीं समझ में आया सर. बाद में ब्रेक में जाकर मैं उनसे पूछता हूँ कि सर आप ये मुझे बता सकते हो, या ये गलत क्यों हुआ मुझसे, इसका रीजन क्या था, क्यों आउट फोकस चले गया, क्या मैं अपने मार्क्स से हिल गया था. ये सारी चीजें भी हेल्प करेगा टू एन एक्टर, फॉर एन एक्टर टू ग्रो. सो दैट्स व्हाट आई डू. डीओपी से जाके पूछना, उनसे बातचीत करना, उनसे हाय हेलो करना, ग्रीट करना, उनको भी असिस्टेंट्स को भी ग्रीट करना, जो स्पॉट वाले हैं उनको भी ग्रीट करना. आई फील कि एवरीवन हैज देयर इक्वल रिस्पेक्ट एंड आई गिव देम दैट इक्वालिटी ओवर देयर, बिकॉज उनके वजह से हमें, हमारे वजह से वो है. दैट्स नाइस. Like you should be grounded also, even when whatever position you're at or हम लोग सेट पे क्रिकेट खेलते हैं, वो लोग भी साथ में खेलते हैं हमारे. बाद में लेकिन जब काम कर रहे तब काम, लेकिन जब हंसी मजा कर रहे तब साथ में. It's a family. वो family, वो relation automatically वैसे बन जाए. अब now मैं बताता हूँ, वो जो मेरे spot दादा है ना, वो मेरे मम्मी जैसे कॉफी बनाना सीख गए. हाँ, कि जैसे मैं कॉफी पीता हूँ एग्जैक्टली वैसे ही. क्या पृथ्वी दादा को कॉफी चाहिए तो वो वैसे ही कॉफी बना के लाएंगे, छान के ठंडा करके. तो वो नेचर ऑटोमेटिकली वो रिलेशन बन जाता है फिर टाइम. इफ यू गिव देम लव, दे विल गिव यू लव मोर. दे विल गिव यू मोर लव. इट्स लाइक दैट. क्योंकि वो लोग भी प्यार के भूखे, हम भी प्यार के भूखे. इंसान ही प्यार का भूखा है. तो एट द एंड वो चीज है. नाइस. कॉफी बना सीख, और फिर फोन करके बोल दिया कि हाँ, तो रूम में रखवा दिया. मतलब छोटी छोटी चीजें, स्मॉल थिंग्स मैटर्स अ लॉट. तो वही आपको आगे लेके जाता है. Completely true. Like for any field, any people in the filmmaking area, I think this is very necessary for all of them to understand ki matlab sab equally hai, koi bhi kuch bhi kar le, but equality to hai yaar. Hai na yaar, ladka ladki koi sab equal hai. Haan. Sab equal hai. Koi actor, koi bhi A to Z, kisi bande ko bhi utha lo jisne aapki casting ki hai, wo bhi utne hi equal hai. Haan. Sab equal hai. Yes, true. To bas wahi hai. So after you were done with your course, the diploma thing, so what was the first gig that you got? First, it was for a brand name, Zomato. And I was really happy ki I had audition, of course. So जैसे ही मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ तो मुझे बता दिया गया था मेरी फ्रेंड ने कि यहाँ यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है, यहाँ पे ऑडिशन चलते हैं. तो मैं गया, पहले दिन गया, उन्होंने नॉट फिट बोल दिया कि आपका लुक नहीं जा रहा, कि आप इसके लिए ऑडिशन नहीं दे सकते. क्योंकि हमारे फोन के ग्रुप में आ जाता है ना कि आज यहाँ ऑडिशन चल रहा है, वहाँ ऑडिशन चल रहा है. तो आई यूज़ टू टेक माय बाइक एंड आई यूज़ टू गो ओवर देयर डोर टू डोर, स्टूडियो टू स्टूडियो, कि सर एम आई फिट, मेरा लुक जा रहा है क्या. तो उन्होंने मना कर दिया. मैं कहा ठीक है, नहीं जा रहा तो फोर्स थोड़ी कर सकता हूँ. फिर वापस अगले दिन बाइक उठा के मैं उसी स्टूडियो में चला गया. सर मेरा लुक जा रहा है. बोले कल तो आए थे आप, सेम ऑडिशन चल रहा है. मैं कहा ठीक है सर, वो तो मेरा काम है पूछना. रिजेक्शन रोज हो रहा है, आई एम फेसिंग एवरी डे, बट इट्स लाइक की हैव टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे. मैं घर पे आके अपनी बुक में लिखता था कि आज यहाँ से स्टूडियो में D383 से निकाल दिया मुझे, नॉट फिट. लिखना पड़ता है यार, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कहाँ पे नॉट फिट है, क्यों नॉट फिट है, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ वहाँ पे. सो डू दे गिव यू लाइक एन आंसर ऑफ व्हाई डोंट दे? नो, इट्स लाइक की उनका एक स्पेसिफिक ब्रीफ रहता है कि मतलब हमें इस टाइप के एक्टर्स चाहिए, या फॉर एग्जांपल हमें लीन चाहिए, हमें थोड़े चबी चाहिए, हमें थोड़े बल्की चाहिए, हमें थोड़े शॉर्ट हाइटेड चाहिए, लॉन्ग हाइटेड. इस फील्ड में काम सबके लिए, बड़ा छोटा, मोटा पतला, बुढ़ा जवान, छोटा बच्चा, सबके लिए काम है. इट्स जस्ट कि मतलब वो आपके लिए काम रहेगा तो दे अप्रोच यू, अगर नहीं रहेगा तो फोर्सिबली आप ऑडिशन दे दोगे तो वो वेस्ट ऑफ एनर्जी आपकी भी, उस बंदे की भी, कैमरामैन की भी, सबकी. क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है. कास्टिंग डायरेक्टर वो ऑडिशन ले लिया, लेकिन एट द एंड क्लाइंट देखेगा ही नहीं, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ और है. तो मैं जाता था ऑडिशन देने. फिर एक दिन मैं कोई बड़े ग्रुप का ऑडिशन देके आ गया एंड वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो गया. फिर मैं बोला अच्छा शॉर्टलिस्ट हो गया अपने. फिर वहाँ से फोन आया कि ऐसा ऐसा है, बजट ये है. मैं कहा ठीक है, कर लेंगे, अपना पहला काम है. बजट का पता नहीं था, हाँ, लेकिन मैंने औरों से पूछा हुआ experience in this field. मैंने उनसे पूछा, I had friends when I started who were much experienced than me. Okay. Means who have already worked in TV commercials, feature film की हुई है. तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे ऐसा budget दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए.
बोले हाँ ठीक ही है, फर्स्ट टाइम के हिसाब से ले ले कर ले, वर्कलिंग बनेगा तेरा, तू आगे दिखा सकते कि हाँ फ्रेशर नहीं है, काम किया हुआ है. तो मैंने हाँ बोल दिया. फिर उसके बाद दो दिन बाद जब उनका पीपीएम वगैरह हुआ तो बोले कि यू हैव बीन फाइनलाइज एंड उसके बाद आपका लुक टेस्ट वगैरह है एंड देन यू हैव टू गो ऑन दी सेट. और दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट किक. आई शॉट फॉर जोमैटो एंड इट वॉज फॉर वैलेंटाइंस डे 14th February 2019. Oh, nice. 19. So what did you do with your first salary that you got? First salary, पहले तो मैं आया, मैंने मंदिर में रखा, फिर मंदिर में से रखने के बाद मैं या मम्मी के पास, मम्मी ये पहला चेक आपके लिए, और फिर वापस मम्मी से ले लिया. ओके. कि अब थोड़ा खर्चा करना है मेरे को. हाँ, तो अच्छा था. हाँ मतलब सेट पे भी अलग एक्सपीरियंस हुआ. So what happened on set? I was this Zomato delivery guy. Okay. ठीक है. तो आई हैड दिस जोमैटो का कॉस्ट्यूम. अब जैसे जोमैटो के बंदे होते हैं वही होगा जो बाहर दिखते हैं आपको जोमैटो लिखा हुआ है. हाँ. यहाँ पीछे जोमैटो लिखा हुआ है, वैसे ही था. अब क्या हुआ, सेट पे आ गए ये कार्यकर्ता लोग कि आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है नहीं है ये वो. तो अब मेरी तो फट गई. पहला मेरे पास आर्टिस्ट कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास. और वो लोग सेट पे आ गए कि जिसके पास नहीं है उसके पैसे लगेंगे, ये वो ले जाएंगे, डरा दिया. तो अब मैं क्या किया, मैंने जोमैटो की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी तो मैं वैनिटी वैन से निकला और वो लोग सामने बोले कहाँ, मैं तो डिलीवरी देने आया था जोमैटो का, मैं तो जोमैटो से हूँ, मैं जा रहा हूँ. मैंने उनको बोला नहीं मैं एक्टर हूँ और मैंने कोइंसिडेंटली कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी जोमैटो की. तो आई एम लाइक की मैं तो डिलीवरी गया हूँ, मैं तो सामान दे के आया था, मेरा बिलिंग हो गया, मैं जा रहा हूँ. और मैं निकल गया वहाँ से, गेट से बाहर निकल गया. पता नहीं मैं मारवे में पहली बार आया शूट करने कोई बंगलों में, और मेरे को पता ही नहीं कहाँ जाना है. मैं बस निकल गया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, आगे जाके एक बस के पीछे खड़ा हो गया. मैं बस वेट करो आधा पौना घंटा टाइम पास किया. फिर वहाँ से मैंने ईपी को फ़ोन किया, सर मैं बाहर आ गया था, वो लोग वैनिटी के बाहर आ गए थे मेरे. तो वो लोग गए क्या, बोले नहीं नहीं अभी रुको थोड़ी देर बाद आना. फिर सामने से फ़ोन आया, तब मैं वापस जाके अंदर आ गया सेट पे. वरना तो पता नहीं क्या होता. वो तो कोइंस, वो स्मार्टनेस थी कह लो या जो भी, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया कि हाँ मैं तो जोमैटो से हूँ, मैं तो अपना ऑर्डर देने आया था और निकल गया मैं. वरना तो उस दिन फंस जाते, पहले एड में ये हो जाता. फिर मेरे को डरा दिया गया था दूसरे एक्टर्स ने कि यार आपको प्रोडक्शन हाउस ब्लैकलिस्ट कर देगा, ये हो जाएगा, फिर आप कहीं काम नहीं कर सकोगे, आप लोग को फाइन वगैरह लगा देंगे. तो ऑलरेडी हाँ वैसे ही डरा हुआ है, फर्स्ट है, नर्वसनेस भी, एक्साइटमेंट भी, और ये भी हो रहा है. बच गए जो है, बच गए. नाइस ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था जिसमें यू हैड टू वर्क, ये सब हो गया, तो नाइस स्टार्ट. हाँ नाइस स्टार्ट, वेरी वेरी नाइस स्टार्ट. नाइस. एंड देन लाइक जो फर्स्ट टाइम यू वेंट इन, जो नर्वसनेस हुई थी, तो इज इट स्टिल कॉन्स्टेंट नाउ? मतलब वो नर्वसनेस होती है बिफोर यू गिव एन ऑडिशन और बिफोर यू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? हाँ होती है. इसलिए होती है, आई टेल यू व्हाई. क्योंकि आपने जो काम किया हुआ है वो तो आपने कर लिया, पर ये जो काम है ये तो नया है. दिस यू हैव टू एक्सपीरियंस समथिंग अगेन, समथिंग डिफरेंट. तो वो डिफरेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए वो जो नर्वसनेस होती है ना, ये वो वाली नर्वसनेस होती है कि मतलब इसमें क्या होगा या ये इसमें कुछ नया क्या सीखूंगा मैं. तो ये वो वाली नर्वसनेस है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है. कि अगर खराब हो गया किसी बड़े डायरेक्टर के साथ, अगर मैं काम कर रहा हूँ, जैसे अभी मैंने प्रदीप सरकार सर के साथ काम किया था फॉर एन एडवर्टाइजमेंट, तो ही इज अ वर्सटाइल डायरेक्टर, ही नोज सो मच कि मतलब आपकी फटेगी कि अगर आपने गलत कर दिया, क्या झाड़ देंगे वो, डांटेंगे हमें. तो वो अलग नर्वसनेस थी वहाँ पे. एंड कोइंसिडेंटली चीज़ें अच्छे से वर्कआउट हो गई एकदम बहुत अच्छे से. एंड दैट माय एडवर्टाइजमेंट हैज क्रॉस 10 करोड़ व्यूज ऑन यूट्यूब. व्हिच एडवर्टाइजमेंट? घड़ी एडवर्टाइजमेंट. ओके, वी विल पुट इट ओवर हियर ऑन द स्क्रीन फॉर श्योर फॉर दिवाली. हाँ, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. हाँ, एंड आई जस्ट वांट टू नो कि मतलब हाउ हैव यू हैड द एक्सपीरियंस ऑफ all of these auditions that you give. जैसे आपने बोला है कि यू नो यू डू फेस रिजेक्शंस, तो समटाइम्स देयर गुड वेर यू अंडरस्टैंड आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ टू फिट सम काइंड ऑफ रोल एंड दे टेल यू कि मतलब नहीं हो पाएगा, या फिर कभी कभी हो जाता है. तो वॉट इज, हाउ डू यू कोप अप विद द रिजेक्शंस एंड हाउ डू यू टेक इन लाइक द पॉजिटिव थिंग कि एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट हो गया, मे बी फाइनलाइज नहीं हो पाया? यार इसमें ना
बहुत सारे फैक्टर्स है. पहले तो जब आपके पास ऑडिशन आता है कभी कभार तो ऐसा लगता है कि हाँ मैं ही इसके लिए बनाऊं. वो हर ऑडिशन में लगता है हर इंसान को कि हाँ यार मैं इसके लिए बनाऊं, ये तो सॉरी ये तो काम मेरा ही है. सबको लगता है. एंड उसके बाद फिर ऑडिशन दिया, ना शॉर्टलिस्ट हुए ना कुछ हुए, तो रिजेक्शन हो गया. यार ऑडिशन मेरे को तो लगा था यही है. बट इट्स लाइक कि आपको ये सीखने मिलता है कि एटलीस्ट आपके पास ऑडिशन आया इन द फर्स्ट प्लेस. आपको कोई कास्टिंग डायरेक्टर ने अप्रोच किया फॉर एन एडवर्टाइजमेंट, दैट मींस कि ही थिंक्स दैट ही और शी थिंक्स दैट यू आर केपेबल ऑफ समथिंग. तो पहली मोटिवेशन तो वहां आ गई. दूसरा, जब आप एक्ट करते हो, आपका ऑडिशन देखते हो, तो आपको खुद एक अच्छा लगता है कि हाँ यार आपने अच्छा किया, तो वहां पर मोटिवेशन आ गई भले वो चीज हो ना हो. फिर जब आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको लगता है यार हाँ चलो ब्लॉक डेट्स करने बोला है तो मतलब अपना चांसेस है. फिर उसके बाद आता है कि आप फाइनल हो गए हो, तो मतलब तब तो अलग ही लेवल की मोटिवेशन है कि आपको अगला ऑडिशन भी देना है, आपको सब करना है, सब काम करना है. अब यहाँ से आपका डीमोटिवेशन स्टार्ट होता है कि अगर रिलीज योर डेट्स बोल दिया, तो आपको ये सोचना है कि आपको रिलीज बोला इसका ये मतलब नहीं कि आप खराब हो. इसका ये मतलब है कि जो क्लाइंट है उसको कुछ और चाहिए था. क्लाइंट है या प्रोडक्शन हाउस है, उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और है जिसमें आप फिट नहीं बैठे. इसका ये मतलब नहीं कि आप एज एन एक्टर नॉट फिट हो, ये नहीं. आप फिट हो लेकिन उस क्राइटेरिया में आप फिट नहीं बैठ रहे. फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, तो एक बॉक्स का शेप होता है, तो उसमें अगर आप सर्कल डालोगे ट्राइंगल डालोगे तो फिट नहीं बैठेगा, स्क्वायर ही फिट बैठेगा ना. तो वहां पे उस वो एक्टर स्क्वायर है, आप ट्राइंगल हो, तो आपको वो चीज समझनी होगी. तो मोटिवेशन आपको ऐसे ही लेना पड़ेगा. एंड हाँ, कोई कोई कास्टिंग डायरेक्टर कहेगा या असिस्टेंट कहेंगे यार तेरे को आता ही क्या है, तो लेकिन आपको ये भी तो सोचना है ना कि आपको अगले दिन वापस उसी के पास जाना है. तो आप डीमोटिवेट होके या झगड़ के उसे खफा होके बैठ थोड़ी सकते हो कि नहीं यार मैं इसके पास ऑडिशन नहीं जाऊंगा, इसके स्टूडियो में जाऊंगा नहीं, इसने मेरे को मना कर दिया. नहीं यार, काम तो वहीं से आपको मिलेगा ना. तो आपको यू हैव टू कीप ऑन मोटिवेटिंग योर सेल्फ. सेल्फ मोटिवेशन की मतलब हाँ, या फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो आपको उसको देख के वहां से मोटिवेशन लेनी होगी. या कोई बंदी काम कर रही है, कोई ग्रो कर रही है, तो आपको उसको देख के जेलस नहीं होना. आपको उसको देख के मोटिवेट होना है कि यार हाँ मुझे भी उस मुकाम पे पहुंचना है, यार वो कर रहा है मैं भी करूंगा, मैं भी पहुंच रहा हूँ. वेर यू आर ना, यू आर एट द राइट स्पेस आई फील. ये आपको सोचना होगा कि आप जहाँ 3 साल पहले थे आप उससे ज्यादा आगे हो. तो आप जहाँ आगे हो गए 3 साल, वो मैं कह नहीं पा रहा, मतलब समझा, मतलब यू हैव टू बी मच मोर देन वेयर यू आर. हां राइट नाउ, यस यस ट्रू. तो वो सारी चीजें. बट हां, रिजेक्शन तो आप रोज फेस करोगे. आप मैसेज करोगे कि सर मेरा लुक जा रहा है या मैम मेरा लुक जा रहा है, वो मना कर देंगे कि नहीं जा रहा, तो बुरा लगेगा. लेकिन हाँ, कि अगले दिन आप वापस पूछो उनसे उनकी कोई और ऑडिशन की रिक्वायरमेंट भी, कि सर मेरा लुक जा रहा है. ऐसा नहीं कि एक बार मना कर दिया तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा. तो सो यू जस्ट नीड टू बी आई थिंक calm in these situations where you are rejected. Very much calm, you have to be. आपको ठहराव के साथ काम लेना पड़ेगा. ऐसा होगा कि आपके पास काम है, कभी कभार होगा आपके पास काम नहीं है, 1 महीना 2 महीना. कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास काम ही काम है, काम ही काम है. फिर बट यू हैव टू टेक एवरी वे. उस वक्त जैसे एक बार मेरे साथ ये हुआ था कि आई वॉज फाइनलाइज कि हाँ शूट है. लुक टेस्ट के एक दिन पहले, कॉस्ट्यूम ट्रायल के एक दिन पहले मेरे को फ़ोन आता है कि क्लाइंट ने कुछ चेंजेस करवा दिए, उनको कुछ और लुक के लड़के चाहिए. तो यू हैव टू रिलीज योर डेट्स. बहुत बुरा लगा मुझे. मैं बोला यार काम चला गया, मैंने दूसरी जगह बोल दिया था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, दोनों काम चले गए अब तो हाथ से. बहुत बुरा लग गया. तो देन आई वेंट फॉर दिस कल्ट का डांस फिटनेस. वहाँ पे मैंने खूब एंजॉय किया, एकदम पागलों की तरह नाचा मैं. जो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन थी मैंने डांस में निकाल दी. एंड देन आई वाज अगेन द नॉर्मल कि हाँ चलो ठीक है काम गया ना, दूसरा काम मिल जाएगा. ऐसा नहीं है कि एक ही काम है. बुरा लगा लेकिन हाँ, डांस में निकाल दिया. तो जैसे वो लोग कहते हैं मूव ऑन करना होता है. हाउ यू मूव ऑन? बाय द एक्टिविटीज विच यू लाइक टू डू. जैसे अगर मुझे डांस करना पसंद है, वर्कआउट करना पसंद है, तो मैं वो सारी एक्टिविटीज में अपना इंटरेस्ट डालूंगा, उनमें ज्यादा टाइम दूंगा, कुछ नया सीखूंगा. तो ये भी एक ब्रेकअप जैसे ही है. आपके हाथ से काम चला गया तो आपको तो मूव ऑन तो करना पड़ेगा ना. आप उसको पकड़ के थोड़ी रह सकते हो.
या फिर लेट गो ऑफ थिंग्स, दैट्स हाउ लाइफ मूव्स, टाइम हील्स, लेकिन टाइम को हील करने के लिए आपको वो एक्टिविटीज तो करनी पड़ेगी ना. तो वैसे ही यहाँ पे भी वही है, अगर काम चला गया तो आपके लिए वो ब्रेकअप हो गया, आपका पैचअप होने जा रहा था, रिलेशन उसके साथ बनने वाला था सेट पे शूट करने से, लेकिन उसके पहले वो ब्रेकअप हो गया, वो चीज चली नहीं. उसके पहले तक तो वो फेज अच्छा चल रहा था, लवी डवी फेज, आप शॉर्टलिस्ट हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन जब ब्रेकअप हुआ तब तो बुरा लगा ना. लेकिन आपको मूव ऑन तो करना पड़ेगा. आप उसको पकड़ के बैठ जाओगे, नहीं यार मेरे को चाहिए था, आप सेट पे चलो झगड़े, आपने मेरे को क्यों नहीं लिया भाई. ऐसे थोड़ी कर सकता, नहीं कर सकते ना. तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, ये वही चीज है, हर एक चीज में वही फंडा है. यू हैव टू लेट गो ऑफ थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट मेड फॉर दैट थिंग. अगर वो चीज चलनी होती तो वो चल जाती, नहीं चली लेकिन किसी कारण की वजह से नहीं चली ना. जो काम आपके लिए है वो काम आपके लिए ही है, कोई और छीन नहीं सकता. भले ही आपने वो ऑडिशन नहीं दिया या कुछ नहीं किया, वो घूम के काम आपके पास आएगा. ये सीरियल के साथ मेरे साथ यही हुआ. मैंने ऑडिशन के लिए मना कर दिया था क्योंकि मुझे ब्रीफ वगैरह मिला नहीं था प्रॉपर. मैं बोला कि मैं क्या ऑडिशन बनाऊँ. घूम के काम मेरे पास आया, घूम के प्रोडक्शन हाउस से मेरे को फोन आया कि ऐसा ऐसा है, आपको ऑडिशन बनाना है. ये तो जो काम जिसके लिए है वो उसी के लिए बना है. जैसे बोलते हैं ना, सोलमेट जिसके लिए है वो उसी के लिए ही है. उसको पहले 100 मेंढकों को किस करना पड़ेगा, तब जाके उसको उसका प्रिंस मिलेगा. तो वैसे ही है, लेकिन उसको प्रिंस मिलेगा. तो वैसे ही लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी. काम जिसका काम है वो घूम फिर के उसी के पास आएगा. कोई किसी का काम छीन नहीं सकता. Yeah, what is meant for you is meant for you. No matter what, it'll absolutely come to you. Go around, but it's gonna come to you. Yes, that's nice, and I'm happy that you got your role like that. मतलब even though you said no, but वो घुमा फिरा के तो आ ही गया ना. I told no. I wanted to give that audition in the first place. मुझे वो देना था. लेकिन क्या हुआ? मुझे उस वक्त उस character का brief नहीं मिला. अगर मुझे brief नहीं मिलेगा तो मैं किस मूड से बनाऊंगा? मुझे क्या पता उसके पास चोरी में क्या हुआ है, या आगे क्या होने वाला है, या वो किस मूड से आया है घर पे एंटर किया. मैं हैप्पीली सोच के आके मैं बना दिया हैप्पी हैप्पी, पता चला उसके घर में कोई डेथ हुई है और वो उस मूड को लेके आया है, तो एक डिफरेंस हो जाएगा ना. हैप्पी एंड सैड बहुत जमीन आसमान का फर्क है. तो मैं अगर उस मूड से बनाऊंगा तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन आई वॉन्टेड टू गिव दैट ऑडिशन, बट आई वॉजंट हैविंग दैट प्रॉपर ब्रीफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मैं ऑडिशन टेप में क्या ही करूंगा. But I wanted to. तो वो चीज घूम फिर के आई. Very nice. I'm very happy for you. Thank you. Yeah. And like you said कि वो घूम फिर के तुम्हारे पास आए. So whenever you know you are approached or you go and like audition देते हो, तो what is the thing that you look for? कि मतलब पहले you want the script, you want a brief, you want to talk to like the director, or I don't know, like what is the process that you follow? As an actor, what is it that you see before you finalize something? पहले तो script में मैं हर काम को हाँ बोलता हूँ. अगर मेरी gut feeling है कि हाँ ये मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं इसको honestly portray नहीं कर पाऊँगा character को, there are certain restrictions which I don't want to do on screen, तो मैं उनको मना कर देता हूँ. बाकी काम में it's like कि मैं I ask the casting director कि इस character का brief क्या है, ये इसमें क्या importance play कर रहा है, हाउ इज इट सपोर्टिंग द सीन, ये जरूरी है क्या कैरेक्टर यहाँ पे होना. आई फील कि अगर नहीं है तो आई वोंट डू इट, अगर है तो डेफिनेटली आई विल डू इट, एंड आई विल पुट 100% कि उस कैरेक्टर में मैं क्या ऐसा लाऊं, जान लाऊं, सो दैट कि वो सीन को और एनहांस कर सके. तो मैं कास्टिंग डायरेक्टर से ब्रीफ मांगता हूँ कि सीन में क्या हो रहा है, कैसा है, देन आई अंडरस्टैंड थिंग्स, देन आई मेक कि मतलब इसके पास्ट क्या होगा, पास्ट स्टोरी बनाता हूँ, बैकग्राउंड बनाता हूँ, आगे की चीज बनाता हूँ, माइंड में सोचता हूँ कि हाँ इस तरीके से आना है, इस मूड से आना है, या फॉर एग्जाम्पल वो ब्रेथ के साथ कि मतलब अगर खेल के आया है तो थोड़ा हाँफते हुए, या अगर हैप्पीली आया तो थोड़ा एक स्माइल के साथ एंटर करना है. ये सारी चीज़ों को लेके आई आस्क द कास्टिंग डायरेक्टर कि ऐसा सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, एंड देन दे ऑल्सो से कि हाँ ये सही है, इसमें थोड़े चेंजेस करने हैं, देन आई गो एंड मेक द ऑडिशन. ओके, सो यू डू योर एंटायर रिसर्च बिफोर यू फाइनलाइज कि मैं ऑडिशन भी दूँ, और फिर मेरे को ऑडिशन तो हर एक दिन है. अच्छा, भले ही मेरे लुक का हो, भले ही मेरे लुक का ना हो, मुझे उससे सीखने मिलेगा. ओके, मुझे ऑडिशन तो हर एक दिन है. हाँ, कि अगर 25 साल का भी है, 26 साल का भी है, 27 साल का भी है, 28 साल का भी है, तो भी मैं दूंगा. आज भी मेरे पास एक ऑडिशन है जिसमें आई हैव टू मेक एन ऑडिशन फॉर अ 30-year-old guy. ओके, आई विल मेक इट.
आई लर्न समथिंग कि एटलीस्ट आई नो कि हाउ अ 30 ईयर ओल्ड गाय रिएक्ट्स टू सडन थिंग्स. वो चीज तो मैं सीखूंगा ना. ओके so that's nice. so brief leke you always give an audition to because that is something that you're also gaining experience. yes. even if that works out or not, even that phase where you are making an audition tape is going to be helpful. that is actually pretty nice to think of ki matlab theek hai na, matlab aage ka sochna hai kyu hai jab tumhe yahan pe learning mil rahi hai. exactly ki ab main jaunga seekhunga main observe karunga ki ha acha ye 30 saal ka insaan hai ya 35 saal ka insaan hai wo is tarike se behave kar raha hai. अगर मैं ऑडिशन में सोचूंगा उस वक्त कि चीजें देख लूंगा तो कभी अगर फॉर एग्जांपल अगर सी यू शुड बी प्रिपेयर्ड यू नेवर नो व्हेन द अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक्स तो दैट्स व्हाई यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. इसलिए मैं एडवांस में ये सारी चीजें करो सो दैट कि इन फ्यूचर अगर कभी कुछ आए ऐसा ऑडिशन ऑन द स्पॉट तो आई कैन डू इट. एंड ये भी था कि मतलब एज एन एक्टर व्हेन यू गेट the position, you get the part, you know ki, you know I'm playing this role. How is it that you, you know, get into the character, jo bhi aap shoot kar rahe ho, be it, you know, a DVC, TVC, web series, feature films, how is it that you put yourself into the character that you're playing? Like you have to leave your personality, Rohit, behind See, to get into the character. पहले तो मैं ये सोचता हूँ कि उसके ऊपर क्या काम करना है. तो I'm playing a 17-year-old boy in this serial. Yeah. ठीक है. तो अब मुझे ये सोचना होगा कि एक 17 साल का बच्चा आई हैव एक्सपीरियंस इट कि हाउ इट वाज व्हेन आई वाज 17 बट अभी इस वक्त हाउ 17 ईयर ओल्ड बॉय विल थिंक. तो उसके लिए मुझे ये करना होगा कि मुझे उन लोगों के आसपास थोड़ा घूमना रहेगा, उनको देखना रहेगा, उनकी बोलचाल कैसी है, क्या है, या वो कौन से स्टेट का है ये कैरेक्टर, उसके बारे में देखना रहेगा, वो लोग किस तरीके से चलते हैं, उनका बॉडी पॉस्चर क्या है, सब कुछ चीज़ देखनी होगी. उनके एक छोटे छोटे डायलेक्ट्स रहते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये ग्वालियर का है तो ये तू करके मैं करके बात नहीं करेगा, तुम आप तुम्हारा, ये सारी चीजें वो सब देखना पड़ेगा. उनके वो डायलॉग में वो डालना पड़ेगा सो दैट कि वो लगे कि हाँ ये बंदा उस कैरेक्टर का है. छोटी मोटी चीजें हो गई या मम्मी से बात करता है, अभी हम लोग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करते हैं मम्मी करके या मॉम करके, वहां पे वो लोग कहते हैं माँ और वो लोग माँ को भी तेरा कहते हैं, माँ तेरा काम कर ले तू. हम तो यहाँ कहते हैं ना आप आपका काम कर लो मैं मेरा देख लूंगा तो, लेकिन वो वहाँ माँ तू खाना बना ले मैं मेरा देख लूंगा. तो वहां पे वो सब छोटी मोटी चीजें हैं तो उनको सीख के उनको देख के आपको उस कैरेक्टर में डालना पड़ेगा सो दैट कि वो कैरेक्टर लाइवली लगे सो दैट कि एन ऑडियंस विल रिलेट टू इट. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ग्वालियर का बंदा है तो वो उससे तभी रिलेट कर पाएगा ना जब वो सारी चीजें देखेगा कि एक्चुअल में ये मेरे तरह ही बोल रहा है, ये मेरे तरह ही बिहेव कर रहा है. Otherwise that person won't relate to it. वो लगेगा कि यार ये तो acting कर रहा है. तो ये सारी चीजें है जो उस character में डालनी पड़ती है. और पहले तो मैं काम करता हूँ lines पे. Lines आपकी होनी चाहिए एकदम पानी. आप lines याद कर लो बॉस. एक बार आपने अभी मैं शरद सक्सेना सर के साथ मैं काम कर रहा था. He's a very senior actor. तो he told me कि कभी भी आपकी lines आपको एकदम thorough होनी चाहिए. आप उसमें फिर इमोशंस बाद में डाल सकते हो. अगर डायरेक्टर बोला ऐसे इमोशन डालो आप ऐसे डाल दो, वैसे बोला वैसे डाल दो, एक आप आपका खुद का वेरिएशन भी दे दो, लेकिन आप वो तब कर पाओगे जब आपको आपकी लाइंस पता होगी. फर्स्टली यू शुड बी थ्रू थरो विथ योर लाइंस की मतलब हाँ आपको आपकी लाइन पूरी की पूरी याद है तभी आप उसमें खेल सकते हो. ट्रू या तो मतलब यू शुड बी प्रिपेयर्ड एज एन एक्टर एंड देन यू हैव टू ऐड द कैरेक्टर राइट. So like we were discussing before, your journey, your physical journey of getting into acting, how did that start? So, and also mention like your weight and then now. Okay, so earlier I was very fat. आपको as an actor physically भी आप पे काम करना होता है and because it will help you grow. You have to self, क्या कहते हैं वो word? Self-grooming. Self-growth. आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा. अर्ली आई वॉजंट हैविंग सच लॉन्ग हेयर, कर्ली हेयर है. कर्ली हेयर तो बचपन से है लेकिन मैंने इतने कर्ली रखे नहीं थे. व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी आई वॉज हैविंग वेरी शॉर्ट हेयर लाइक एकदम मिलिट्री कट. व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी आई थॉट कि हाँ ये चलाते हैं. बट लॉकडाउन में आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड मैंने बाल बढ़ाए, सब कुछ किया. देन आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस एंड एवरीथिंग. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ मोर कि मतलब मैं और अपनी फिजिक पे काम कैसे करूँ. आई स्टार्टेड रनिंग, डूइंग मच ऑफ योगा, सब कुछ किया. तो इट्स लाइक यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं
कितना मोटा था, हेल्दी चबी? Like I genuinely can't believe that this is you. हाँ, that's me. Yeah. But wow, like there is like drastic difference in the presentation. So I was shooting with Tiger Shroff. हाँ. ठीक है. Of course he is the fitness freak एकदम. तो I was shooting him for an advertisement. ठीक है. तो वो तो इसी look में shoot कर रहा था. तो मैंने टाइगर को एक फोटो दिखाई. आई हैड मेट टाइगर व्हेन हिज फर्स्ट फिल्म डेब्यू फिल्म हीरोपंती केम. आई मेट हिम एट अ स्टारबक्स आउटलेट जू. तो वहाँ पे आई मेट ही वाज ही इज टिल डेट ही इज वेरी स्वीट एंड डाउन टू अर्थ टाइगर श्रॉफ. तो आई मेट हिम एंड एक पिक्चर ली थी मैंने उस वक्त. ठीक है. अब व्हेन आई वाज वर्किंग विथ हिम आई मेट हिम एज अ फैन. या And I was shooting him, shooting not him, shooting, with him. Shooting with him as a fan, as an and also as an actor. Yeah. तो उसके बाद जब shoot वगैरह चल रहा था बीच में, it was one on one ad. तो हमारा जब shoot चला था, अहमद खान sir was directing it, the dancer. हाँ, yeah. तो मैंने उनको ये photo दिखाई. ठीक है. So that was in 2014. Oh my god. And this was when I was shooting that ad with him. So he was like, भाई ये तू है, भाई सही में तू है. Commendable transformation. And I was like, thank you. I'll have a picture with you. So वो चीज थी उस वक्त. It motivated me. He saying such words. It was like, हाँ मतलब. Of course. I mean, if you get like appreciated or even acknowledged, I think that actually takes. You a long way कि मतलब अच्छा लोगों को भी दिख रहा है. It's not just me. Exactly. हाँ. So when you started your transformation at that time you weren't into acting. No. Okay. क्योंकि वो college के time मैंने अपना drama वगैरह कर चुका हूँ मैं school से. But उस वक्त तो वो अलग zone था ना कि मतलब क्या करना है पढ़ाई के बाद. अपना 12th हो गया, scholar हो गया, ये वो CPT दिया कुछ नहीं है, आवारागर्दी की, house party, spoil brat वगैरह, clubbing जाना हफ्ते में 3 बार, क्लबिंग जाना, ये करना, किसी के घर पे कभी 12 बजे आ रहा हो अपने घर, ये वो. तो उस वक्त एक्टिंग का ऐसा कुछ नहीं था. बट हाँ, बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली मुझे ये पता था कि हाँ मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टिंग करनी है. लेकिन एक रास्ता मुझे पता नहीं था कि मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है. तो एक्टर प्रिपेयर्स हेल्प मी दैट वे कि मतलब यू स्टार्ट फ्रॉम योर, दे शोड मी दिस लाइट कि मतलब ऐसे एक्ट करना है, ऐसी चीज है, टेक्निकल स्टफ है, कैमरा एक्टिंग अलग होती है, सारी चीज है. Oh, you know, when I started, when acting, I... Acting? You are also an actor? No, no, I'm not an actor. But like, when I started to see ki mujhe kya karna hai 12th ke baad, so even I told my parents ki, matlab, mujhe padhai nahi karni hai, to aap dekh lo, aapko jo lagta hai, main wo kar lungi. But if not, then I'll do something like in economics or psychology. So they were like, my mom wanted me to become a filmmaker. Ki, matlab, films mein ghus jao. So maine bola, achha, theek hai, kar lete. So before I got into Whistling Woods, my mother and I, we started like searching ki, matlab, filmmaking ke liye kya kya courses hai, kya hota hai. कुछ ना कुछ डिग्री आ जाए, मतलब 12th के बाद कुछ ना कुछ पढ़ाई कर ली है इसने. तो भी हमने ना बहुत कुछ ऐसे देखा कि यू नो द लाइन ऑफ एक्टर प्रिपेयर्स एंड एवरीथिंग, देयर आर टू मेनी डिफरेंट कोर्सेस. हां, या तो एक दिन मी माय मॉम एंड माय डैड लाइक वेंट आउट ऐसे ट्रिप पे कि मतलब एक बार ना जाके देख लेते हैं कि मतलब किधर क्या क्या हो रहा है. तो वी वेंट टू एवरी स्टूडियो एंड वी वर लाइक कि यहां पे क्या सिखा रहा है, यहां पे क्या सिखा रहा है. तो वी वेंट टू एक्टर प्रिपेयर्स आल्सो एंड ओवर देयर दैट वाज द फर्स्ट थिंग वेयर आई वाज लाइक कि हां मतलब कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे आ जाए, एक्टिंग कर ले. तो आई रियली लाइक द स्पेस एंड यू नो इवन व्हेन इट वाज नॉट इवन एन इंट्रोडक्शन सेशन वी जस्ट वेंट देयर टू इंक्वायर एंड वी वर लाइक आप बता दो. हाँ, वो यू कैन फील दैट ऑरा एंड एवरीथिंग एनर्जी ओवर देयर. या द पीपल हु आर मेकिंग अस अंडरस्टैंड आल्सो दे आर कंप्लीटली इनटू इट एंड दे आर लाइक नहीं हो सकता है, सब कुछ हो जाएगा. ये सिखाते वो सिखाते, ये पढ़ाते वो पढ़ाते. हम लाइक ब्रो सही में पढ़ाया है, सही में सिखाया है. एंड मैं तो यही कहूंगा क्योंकि मैं तो वहीं से सीखा हूं, तो मुझे तो पता है कि क्या सिखाया है. I still have those books की every lecture मैंने क्या लिखा है. Still read those books. कभी बाहर travel करता तो I read those books क्योंकि एक वो quick revision हो जाता आपका. जैसे आप पढ़ाई में करते हो, acting भी पढ़ाई है. आपको सीखनी है, आपको पढ़ना है और. तो वैसे ही वो एक quick revision कर लोगे तो आप और चीजें जल्दी से grasp कर पाओगे बाहर से.
तो वो चीज़ है. सो लाइक द टीचर्स फैकल्टी और एवरीथिंग वो लोग भी तुम्हें हेल्प करते हैं आफ्टर कॉलेज, लाइक आर यू स्टिल इन टच विद देम इफ यू हैव एनीथिंग लाइक डाउट्स और एनीथिंग यू कैन ऑलवेज अप्रोच देम. दे आल्सो हेल्प अस इन गेटिंग सम गिग्स आल्सो. दे अप्रोच अस कि मतलब अगर आपका लुक जा रहा है कहीं तो दे विल कॉल कि मतलब हाँ ऐसा ऐसा ऑडिशन है, यू कैन ऑडिशन फॉर इट. सो दे अप्रोच दैट वे. एंड दी टीचर्स, टीचर का एक ही मोटो होता है लाइफ में, सिखाना. वो आप उनसे कभी भी पूछो, वो आपको सिखाएंगे या आपकी हेल्प, अगर आप कहीं डाउट में हो गए या कहीं आप फंसे हो गए, वो आपको हेल्प करेंगे. तो टिल डेट दे हेल्प मी. अगर मैं उनसे कुछ पूछता हूँ तो दे हेल्प मी. वाओ. एंड व्हेन डिड यू फिनिश योर कोर्स? बैक इन 2019 एंड 18 एंड आई गेस, एंड आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस इन 2019. वाओ, दैट इज so sweet of them to still be in touch and I still wish them a happy teachers day on teachers day, every teacher. Wow, very cute. Nice. I am cute. Okay. Yeah, so now we can talk about, you know, what work you have done and what all do you want to talk about, like sab kuch, music videos, sab kuch, ads, anything that you I've shot for commercials, jaise apna Mountain Dew ho gaya recently. I went to Armenia for the shoot. Oh. Then I've shot for Nutella, then I've shot for Haldiram's Rakhi ka, then ESPL, then HRX with Hrithik Roshan. Wow. And how is he? He as a person. Are, as a person he's sweet and in his work he's perfect. And when the first time I entered the set, main to unki bas 6 ungliyan dekh raha tha. कि वो रियल है कि नहीं. नहीं, वो तो पता है रियल है, बट वो चीज मैं बस वही देख रहा था. एंड देन हाय आई एम रोहित, हाय एचआर. तो कॉन्वर्सेशन था, सेट पे मजा आया. देन आई हैव शॉट फॉर नेटमेड्स विद करीना कपूर, करिश्मा कपूर, एंड ऐसे ऐसे कमर्शियल्स किए. फिर वेब शोज का पार्ट रह चुका हूँ, लाइक Z5 का बॉम्बर, सोनी लिव प्रोजेक्ट 9191, हॉटस्टार, एस्केप लाइफ, एंड करेंटली आई एम शूटिंग फॉर इरोस नाउस प्रोजेक्ट डेडलाइन, इन विच मोना सिंह मैम एंड रुशाद राणा सर आर प्लेइंग माय मॉम एंड डैड, दैट जैसी जैसी कोई नहीं वाली एक्ट्रेस. एंड फीचर फिल्म की अमर कॉलोनी, which has won awards in Black Talent Film Festival and in Kerala Film Festival. Our film was featured and we have received awards over there. Not only just recognition, we have received awards, and a Paris distributor has approached us to distribute our film also. Wow, congratulations. That's big. Yeah, very big. It's like they'll distribute it everywhere, on maybe on Netflix, Amazon Prime, any OTT platform it can be. एंड यही चीज़ें हैं. डेली सोप किया है, अभी भी एक डेली सोप कर रहा हूँ, क्योंकि तुम ही हो. आई एम प्लेइंग पृथ्वी इन दैट. सो प्रिंट शूट्स किए हैं, फिल्टर कॉपी के साथ काम किया है, अलग अलग स्केचेस किए हैं, थिएटर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मोनिश कल्याण सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, थिएटर प्रैक्टिस करता हूँ. इन द मंथ ऑफ नवम्बर और दिसंबर आई हैड परफॉर्म टू शोज इन क्रिएटिव अड्डा. Oh, रामनगर. Wow, okay. I'm still I'm a part of a theater group because theater से आपको हर बार जब भी आप परफॉर्म करते हो आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है. तो इट्स लाइक कि वो आपकी ट्रेनिंग है, रिविजन ही है. तो ये सारी चीजें और भी अब याद नहीं आ रहा. हाँ, नहीं, बट और फील्ड हाँ मतलब है. I think that's about it for them also to understand, you know. You have done so much work, you have had so music much albums with Umar Riaz, Helisha, and 9XM के साथ काम किया. 9XM का म्यूजिक एल्बम, भूमि त्रिवेदी, ओके, विद हर, आई शॉट अ म्यूजिक एल्बम विद हर. दैट्स नाइस. सो यू हैव वर्क्ड सो मच, यू हैव सो मच एक्सपीरियंस, यू हैव गेन्ड सो मच नॉलेज फ्रॉम हूएवर पीपल यू हैव मेट, लाइक द कास्ट, डायरेक्टर्स, आई डोंट नो प्रोड्यूसर्स के साथ कितना एक्टर्स का रहता है, बट लाइक एवरीथिंग, डीओपी एंड ऑल, सबके साथ डिफरेंट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. सो व्हाट डू यू फील वाज योर बेस्ट एक्सपीरियंस ऑन सेट और विद अ पर्टिकुलर पर्सन? बेस्ट एक्सपीरियंस, यार मुझे ना ऐसा लगता है जब भी मैं सेट पे हूँ ना वही बेस्ट है. जब भी मैं सेट पे हूँ, वेन एवर आई एम शूटिंग, दैट इज बेस्ट फॉर मी. But I cannot say any best, but हाँ. But like ऐसे memory कि you always have that in mind कि मतलब ये हुआ था set पे. That's what I'm saying. Any particular person, celebrity, or जैसे you said कि मतलब वो दादा चाय भी ले आते थे, but that is something that actually touched your heart, right? तो मतलब ऐसा कुछ that you have in your mind, like engraved memory.
टाइगर श्रॉफ के साथ शूट करने में बहुत बहुत मजा आया. इट वॉज अ फन शूट दैट डे एंड सीइंग हिम परफॉर्म ऑल दो स्टंट्स एक्चुअली बहुत मजा आया कि मतलब सो ही एक्चुअली डिड एवरीथिंग ऑन हिज ओन एंड वो मेमोरी है. बहुत सारी मेमोरीज है. इट्स लाइक कि अभी भी जो मैं सीरियल शूट कर रहा हूँ वहाँ पे भी हम लोग सेट पे इतनी मस्ती करते हैं, शूट करते हैं, इमोशनल सीन्स होते हैं जो दिल को छू जाते हैं. फिर उसके बाद वापस वही हंसी मजाक होता है. बहुत सारी सीन है जो सीरीज कर रहा था हॉटस्टार के लिए, वहाँ पे सिद्धार्थ कुमार तिवारी सर के साथ इतनी मेमोरीज है. एंड आई स्टिल रिमेम्बर हम लोग शूट कर रहे थे एक बनारस का सीक्वेंस, वहाँ पे जो हमारा घर रहता है वहाँ पे श्वेता त्रिपाठी आती है, एंटर करती है एंड इट्स लाइक कि वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या एज है. मैं कहा सर मेरी एज ये है. क्या ही केम एंड ही हग्ड मी. तू यार 17 साल का बच्चा प्ले कर रहा है, मैंने तुझे कास्ट किया 17 साल की, तेरी उम्र ये है. मैं सर अब वो चेहरा जो कह रहा है वही है वो. तो ही केम एंड ही हग्ड मी. तो इट वॉज अ स्वीट मोमेंट फॉर मी एंड ऐसे बहुत सारे गुड एक्सपीरियंसेस. बैड एक्सपीरियंस ये भी है, एक दो बार मैं शूट कर रहा था वो टेक निकल नहीं रहा था तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था. सारी कास्ट क्रू सारे लोग है, डीओपी है, डायरेक्टर है, यार वो चीज़ आ क्यों नहीं रही. ऐसा लगता है कि कुछ गलत रह गया है. ये फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं. ओके अब डायरेक्टर सर को पीछे से और लोग आके बोल रहे कि ऐसा करने बोलो तो डायरेक्टर सर का भी माइंड चेंज हो गया, अच्छा अब ऐसा कर कृष्णा ऐसा कर. मेरा कैरेक्टर नहीं उसमें कृष्णा था तो ऐसा कर वैसा कर, मैं वैसा कर रहा हूँ फिर भी नहीं समझ में आ रहा. फिर मैं जाके सर को बोला सर देखो जो आप चाहते हो ना आप वो करो, औरों की बात मत सुनो क्योंकि दे डोंट नो कि वॉट यू नो वॉट यू वॉन्ट आउट ऑफ दैट कैरेक्टर इन दैट सीन. तो सर प्लीज़ आपका सुनो और लोग 10 मुंह 10 बातें मत सुनो, आपका मुझे बताओ, आई विल फॉलो दैट. देन आई गेव वन टेक, ही वाज ओके विद इट, फाइन विद इट. देन ही सेड कि ऐसा हो गया और अच्छा कर सकता है तू. देन आई गेव दी अनदर टेक एंड इट वाज लाइक कि हाँ इट वाज गुड. एंड देन दैट डायरेक्टर सर रोट अ नोट फॉर मी स्पेशली कि आई स्टिल रिमेंबर दैट डे व्हेन यू came to me and you told ki aise aise hai, don't follow what others are saying, there are 13 people out there who are saying different things and you still gave your shot. So you had written a long note, proper note. I still have that. To wo bura experience tha but usse bhi ye seekhne mila ki bhale hi aapko 10 log keh rahe hain ya 10 log director sir ko keh rahe hain ki aisa karo waisa karo, par aapko aapki cheez karni hai, aapko demotivate nahi hona us waqt. So that was a bad experience for me but I learned from that. Wow, but he actually wrote a note to you, so that is something you take. And he recently wrote it and he shared it with me. Oh, that's nice. Yeah. So like the audience who are watching you, do you want to give them like some kind of motivational speech or like inspiration that... Speech to nahi, but like inspiration ki kaise start kare, how do they proceed with their work, how do they like build that confidence? और जस्ट भी ओके रिजेक्शन नहीं मिल गया तो कोई बात नहीं. या आई टू फील जस्ट बी ऑनेस्ट विथ योर वर्क. काम को ईमानदारी से करो, काम की रिस्पेक्ट करो, काम आपकी रिस्पेक्ट करेगा. इट्स सिमिलर वे विथ एवरीथिंग विथ क्लोथ या कॉस्ट्यूम वगैरह. अगर आप शूट भी कर रहे हो, शूट करने के बाद कॉस्ट्यूम ऐसे फेंको मत कि हो गया शूट हो गया अपना चलो घर जाना है. कॉस्ट्यूम की भी रिस्पेक्ट करो क्योंकि वो आपको अच्छा दिखा रहा है ऑन कैमरा. छोटी छोटी चीज़ें हैं एंड एट द सेम टाइम इट्स लाइक कि आप जहाँ पर भी हो यू आर एट द राइट प्लेस राइट स्पेस. बी फोकस्ड एंड बी मोटिवेटेड. अगर कुछ गलत भी हो रहा है आपके साथ तो उससे आप सीखो. हाँ एक्सप्लॉयट मत हो. यू माइट गेट एक्सप्लॉयटेड बिकॉज आई हैव ऑल्सो फेस एक्सप्लॉयटेशन कहीं ना कहीं, बट एट द सेम टाइम यू शुड लर्न फ्रॉम इट एंड जस्ट बिलीव कि अगर वो हुआ है तो वो आपके अच्छे के लिए हुआ है. अगर इंसान के साथ बुरा भी होता है ना तो वो उसके अच्छे के लिए होता है. ये तो भगवद गीता में भी कहा गया और ये सही है. तो यही सारी चीज़ें हैं. बी मोटिवेटेड, बी हैप्पी, बी द डू द थिंग्स विच यू लव एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस विथ योर फ्रेंड्स फैमिली एंड बी विथ फैमिली. बी सपोर्टिव ऑफ ईच अदर. अगर आपके साथ नहीं हो रहा है तो किसी और का अगर हो रहा है तो डोंट फील जेलस अबाउट इट. बी हैप्पी अबाउट, फील गुड अबाउट दैट पर्सन कि हाँ उसका अच्छा हो रहा है. ये सारी चीज़ें ही हैं. सो आई फील दिस इज इनफ एंड बाकी तो आपकी सारी जर्नी है, मेरी भी जर्नी है. और हाँ,
किसी के लिए कुछ अगर काम करेगा तो ये जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी वही काम करेगा. आपके लिए जो काम करेगा वो क्या पता किसी और के लिए काम नहीं करेगा. तो आई फील आई एम वेरी सैटिस्फाइड विद आवर कन्वर्सेशन. इफ यू वांट एनीथिंग यू वुड वांट टू से टू द ऑडियंस देन आई एम ऑलवेज सैटिस्फाइड. ओके आई एम ऑलवेज आई एम अ सैटिस्फाइड गाय. ओके थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. लाइक वी लव हैविंग मी हियर. या वी लव्ड हैविंग यू विद अस. सो या दिस इज इट फॉर द नेक्स्ट बिग थिंग. टेक केयर गाइस. बाय बाय.